अब रुख करते हैं लियाकतपुर की जानिब। लियाकतपुर में पीटीआई के कारकुनान और एमपीए चौधरी मसूद के वोटर आमने सामने। पीटीआई के वर्करों का एमपीए चौधरी मसूद अहमद के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात, सादम का खतरा, दोनों जानिब शदीद नारेबाजी जारी। इस हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलक हशमत आवान से। जी हशमत आवान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर में, जहाँ पर मेरे पस मंजर पे देख सकते हैं कि एक तरफ से पीटीआई कारकुन और दूसरी तरफ से नून लीग के कारकुन जो है आमने सामने है। यहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस तरफ जो राइट हैंड पे है वो पीटीआई के कारकुन है और दूसरी तरफ देखा जाए तो नून लीग के कारकुन यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी का आलम है, अफरा तफरी है। ये इशू पीटीआई वालों ने उठाया हुआ है कि चौधरी मसूद साहब जो है वो 40 करोड़ पर लेकर तुर्की चले गए। बात करने के लिए नून लीग के कारकुन है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। चौधरी मसूद साहब के कारकुन मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि ये जो एहतजाज जारी किया गया है, इस तरफ से नून लीग का एहतजाज है, उस तरफ से पीटीआई का एहतजाज है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर ये जो धरना और स्ट्राइक है वो चौधरी मसूद साहब के हक में है। हम चौधरी मसूद साहब के सिपाही हैं। चौधरी मसूद साहब की मोहब्बत में हजारों लोग अपने घरों से निकले हैं। चौधरी महमूद साहब की मोहब्बत में आज चंद नाम निहाद शर्त पसंद आंसरों ने यहाँ पर आकर गुंडागर्दी की हुई है। हम इनको बोलते हैं कि अपनी गुंडागर्दी से बाज आ। अच्छा कि ये बताइए, क्या ख्याल है कि पीटीआई के कारकुन भी आपके सामने हैं और आपके नून लीग के कारकुन भी आपके सामने है, क्या इसके बारे में इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने तो चौधरी मसूद और चौधरी महमूद साहब ने रोका हुआ है। चौधरी मसूद साहब के एक काल पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। हम तो इनको चीड़ फाड़ कर रख दें, हम तो अपने लीडर की बात पे रुके हुए हैं, नहीं तो अब तक इनको दमस्त कलंदर करके दिखा देते। ये बताइए कि चौधरी मसूद अहमद साहब पे जो इल्ज़ाम लगे गए हैं इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी मसूद साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि चौधरी मसूद साहब ने आज 3.5 माह पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था कि मेरे हलके के जो काम हैं वो रोक दिए गए हैं, मुंडे फंड नहीं मिल रहा, मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। ये नालायक लीडर पीटीआई के जो भी धार धार कर रहे हैं, चीखों पुकार कर रहे हैं, उस वक़्त ये कहाँ थे? आज इनको 3.5 माह के बाद पता चला है कि चौधरी मसूद साहब ने जमात को छोड़ दिया है। ये इंतहाई गलीज और गंदे जहन के हैं और अपनी गलाजत फेंक रहे हैं और कुछ नहीं है। चौधरी मसूद साहब लीडर हैं और लीडर रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने नून लीग का मौके, नून लीग के कारकुनों का मौके भी जाना, उनका वैसे भी सुना। आज अभी हमारे साथ जो है पीटीआई के कारकुन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये रैली जो निकाली गई है किस हवाले से निकाली गई है और इनका क्या मौकफ है और क्या मुतालबा है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी हमारे पीपी 257 से हमारे पीटीआई के वोटों से मुंतखब होने वाला हमारा एमपीए जो कि लोटा बन चुका है और मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए लेके ये बिक चुका है और तुर्की जाके मजे कर रहा है। हमारा इनसे सवाल है कि अगर आपको ये हक किसने दिया कि आप हमारे वोट बेचो? हमने वोट इमरान खान को दिए थे, हमारे बच्चे निकले थे, हमने हमारे जवान निकले थे, हमने खून पसीना पे बहाया है। और एमपीए पीपी 257 से पीटीआई के वोटों से मुंतखब हुआ था और ये आज लोटा बन के मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए लेके ये जो बिक चुका है, इसके हम पर पूरी मुज़म्मत करते हैं। इन्होंने हमारा एतबार बेचा है, इन्होंने हमारा वोट बेचा है, इन्होंने हमारी शख्सियत बेची है। जब पूरा पंजाब ने पीटीआई के हक़ में वोट कास्ट किया और पीटीआई पे एतमाद किया है और इस बंदे ने गद्दारी करके कौम से गद्दारी की, हमारे वोट से गद्दारी की, हमारे शहर से गद्दारी की, हमारे हल्के से गद्दारी की और इनका इनका हिसाब। हालात कशीदा देखकर
डीएसपी सर्कल लियाकतपुर जाम लयार सैफी भारी नफरी लेकर मौके पर पहुंचे और इन्होंने दोनों पार्टियों से मुजाकरात किए और अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से किसी भी किस्म का इंतशार पैदा ना होने दिया। चौधरी मसूद अहमद के हामियों ने भी डीएसपी अल्लाह यार अपने अपने घरों को चल दिए और पीटीआई के वर्करों ने भी एहतजाज खत्म कर दिया। डीएसपी अल्लाह यार सैफी की बेहतरीन हिकमत अमली को शहरियों ने सराहा और खराज तहसीन पेश किया, वरना बड़ा तसादम होने का खतरा था। इसके साथ साथ थाना सिटी के एसएचओ फरहान हुसैन ने भी अपनी नफरी के हमरा अपनी ड्यूटी खूब सर अंजाम दी और दोनों कारकुनों को अपनी अपनी जगह संभाले रखा। ये पीटीआई के अराकीन थे जिसमें ये गाइड कर रहे थे राजा सलीम उनको, और वो आए थे, उन्होंने इंतजाम यहाँ किया और ये जो एमपीए साहब हैं चौधरी मसूद साहब उनके घर के सामने ये चले गए हैं। वहाँ से भी कुछ लोग थे, उन्होंने कहा भी हमारे घर के सामने जो है आप एहतजाज ना करें, साइड पे होकर जरा करें। तो हमने भी उनको समझा कि आपका एहतजाज करना आपका हक है, राइट है जमहूरी, तो वो आप इस्तेमाल करते हुए किसी को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप वायलेशन करेंगे तो फिर आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे सर्कल लियाकतपुर डीएसपी अल्लाह यार सैफी साहब थे, उन्होंने अपना मौके बयान किया और यहाँ पे काफ़ी जो है तसादम का इम्कान था, लेकिन वो घर पर पहुँचे और दोनों फरीकों को अपने अपने घर रवाना किया। जी सीवरेज सिस्टम बिछाया है वो अगले 50